आज उत्तर प्रदेश रे अंतिम पर्याय मतदान शेष पर्याय मतदान रे 9 जिलार 54 आसन पर भोट पड़ाक 613 प्रार्थी भाग्य निर्धारण वाराणसी आजमगढ़ मिर्जापुर गाजीपुर अन्य जिलार ए सबू आसन अंतर्भुक्त रही तेरे वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र होता बेले ए आसन उपर रही समस्त नजर यूपी में बीजेपी पक्षर जोरदार प्रचार कर प्रधानमंत्री समेत बीजेपी बहु हेवी वेट प्रचार करिसथि एसपी बीएसपी पक्षर नेता माने निज निज प्रार्थी सपक्ष में प्रचार करिसथि गत निर्वाचन ए अंचल सबुठू भल प्रदर्शन करथिला बीजेपी 2017 बीजेपी 29 सीट पाइथिया बेले समाजवादी पार्टी को मिलता 11 आसन तेरे चलित निर्वाचन रे कहा को आशीर्वाद करिवे जनता ताकू नहीं चली अंक कसा अधिक अपडेट सहित फोन लाइन जोड़ी होती हम प्रतिनिधि गगन मिश्रा गगन शेष पर्याय आज जो 54 आसन रे मतदान एवं ये 54 आसन बहुत गुरुत्वपूर्ण खासकर शासक बीजेपी पाई कारण ये 54 आसन भितर आसुच्छे वाराणसी संसदीय क्षेत्र जोटा कि प्रधानमंत्री निजस्व संसदीय क्षेत्र और प्रधानमंत्री भी रोड शो करते तेणु ए शेष पर्यायर 54 आसन रे बहुत भल प्रदर्शन करवा बोली बीजेपी आशा रखा स्वाभाविक तो आज ये 54 आसन केते गुरुत्वपूर्ण शेष पर्यायर हेले भी पूरा उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन पाई देखु शक्ति बर्तन भोटिंग आरंभ हो जहां पाखर सूचना आन मिनिट पूर्व बर्तन भोटिंग आरंभ हो निश्चित भाव समस्त मन में एक्साइटेड रही खास कर लास्ट मोमेंट रे देखिए जो भली धरणर प्रचार है खास कर वाराणसी समस्त आई कैचिंग पॉइंट थी वाराणसी समस्ते फोकस करते प्रधानमंत्री जो भली ढंग से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिदर्शन कले सीधा सड़क देखिए आप दर्शन कले रात स्टेशन में पहुंची वाराणसी स्टेशन तेणु कौटना कौटि वाराणसी समस्त आई कैचिंग पॉइंट थी जो भली ढंग से प्रधानमंत्री से प्रचार कले तेणु अपोजिशन अखिलेश यादव कथा कहतु प्रियंका गांधी कथा कहतु से वाराणसी को फोकस करते निजे जाकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पहुंची दर्शन करते तो निश्चित भाव जो जिला गुड़िक रही माओ आजमगढ़ जोनपुर गाजीपुर वाराणसी चंदोली मिर्जापुर सोनभद्रा बरदोई संत रविदास नगर ये सब भितर कौटना कौटि वाराणसी समस्त आई कैचिंग पॉइंट रोचे कहीं ये मोदी गड़ बोली कह सिक्स पेज रे जो निर्वाचन है ता निश्चित भाव जोगी गड़ रे निर्वाचन होता बर्तमान मोदी गड़ रे आज भोट पड़ो तो निश्चित भाव लगातार दुई थर देखिए सांसद से जीति सेठारे लोकल निर्वाचन में बीजेपी भल परफॉर्मेंस करता बर्तमान विधायक संख्या अधिक बीजेपी अच्छी कंटिन्यू आप देखिए तो निश्चित भाव फोकस वाराणसी तेज केत प्रतिशत भोटिंग होखापाखि 613 जन जो प्रार्थी रही भितर किए बाजीमात कर निश्चित भाव हूं तो शक्ति 10 तारीख में चित्र स्पष्ट हो किंतु आज जेहेतु शेष पर्याय मतदान तेणु वर्तमान पर्यंत जो भोटिंग पूर्वर जो एग्जिट पोल थिला वर्तमान हुए तो आज संध्या परे विभिन्न जो चैनल तरफ हुए तो एग्जिट पोल आसी पारे तेज जदि एग्जिट पोल आसुची आज तेणु एग्जिट पोल कहा सपक्ष में जाऊँ से एग्जिट पोल टा एग्जैक्ट पोल हो कि नहीं 10 तारीख में ता तो स्पष्ट हो परवर्त कथा कि गोटे भोटिंग परे एग्जिट पोल आसे से बहुत मेसेज बाहर था शक्ति नहीं कि बहुत चर्चा हुए जे एग्जिट पोल कहा सपक्ष में जाऊँ कौ दल जो कॉन्फिडेंस बढ़ो और किए भांगी पड़ो निश्चित भाव क्या सीट जीव ये गोटे पूर्व आकलन समस्ते करता जहाँ को लेकिन चर्चा हुए हुए तो आज लास्ट पर्याय जो रही टाइम रही 6 परे हुए तो एग्जिट पोल आसी पारे निश्चित भाव तापर आम नजर रही आसुची क्या सपक्ष में जाऊँ किए यूपी रड़ बजाय रखुची और या सहित आहरी जो 4 राज्य रही समस्त एक्साइटमेंट रही तेणु आज शेष पर्याय जेहेतु मतदान रही निश्चित भाव समस्त नजर रही भोटिंग परसेंटेज गोटे मेजर रोल प्ले कर देखिए यूपी रो 6 फेज निर्वाचन जालरेडी 2 फेज को छाड़देले बाकी अन्य फेज गुड़ाक 60 65 60
7 ଏମିତି ପରସେଣ୍ଟେଜ କୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମଣିପୁର ଦେଖିବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଫେଜ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟିଂ ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ତୁଳନାରେ ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ହେବୁ ହୁଏତ ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜରେ ଟିକେ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆହୁରି ୟୁପି ର ବଢିବ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସେସ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ବାରଣାସୀ ଆସିକି ଭୋଟିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପଡୁଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭୋଟିଂ ହଉଛି କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ଭୋଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା ରଖିବାକୁ ପଡିବ ହୁଏତ ସେଭଳି କିଛି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ସତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲେ ବି ଏ ନିର୍ବାଚନ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ମତଦାନ ହେଉଛି 54 ଆସନ ଇଏ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ଖାସ କରି ଶାସକ ବିଜେପି ପାଇଁ କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାରଣାସୀ।